हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। ये ड्रोसोफिला डेवलपमेंट की सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ड्रोसोफिला स्ट्रक्चर एंड ड्रोसोफिला एग में एक्सेस पैटर्निंग कैसे हुई वो सब डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेस पैटर्निंग होने के बाद उन एक्सेस पर बॉडी प्लान्स कैसे डेवलप होगा बाय द हेल्प ऑफ मेटरनल जीन। अब क्या होता है, अब तक हमारी एक्सेस पैटर्निंग हो गई। एक्सेस पैटर्निंग होने के बाद हमारे नर्व सेल्स कुछ mRNA का फॉर्मेशन करते हैं, उनसे प्रोटीन बनती हैं। वो प्रोटीन पूरे ड्रोसोफिला का बॉडी प्लान डिसाइड करेगी। तो उन प्रोटीन्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड। अब वो प्रोटीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड, उसके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। अब हमारी प्रोटीन्स आई, नर्व सेल्स ने उस साइड को कुछ प्रोटीन्स दिया, उनको डिस्ट्रीब्यूट होना है। सो फर्स्ट वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं, क्या होता है, हमारी मोटर प्रोटीन्स होती हैं डाइनिन एंड काइनेसिन। डाइनिन ऑलवेज मूव करती है नेगेटिव साइड क्रोमोसोम के, काइनेसिन ऑलवेज मूव करती है पॉजिटिव साइड। अब हमारी जो प्रोटीन्स आई हैं, मेटरनल प्रोटीन्स आई हैं, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूट इनके अकॉर्डिंग होती है। जस्ट लाइक एक्सुबेरेंशिया एंड स्वेलो, ये सब मेटरनल प्रोटीन्स हैं। एक्सुबेरेंशिया एंड स्वेलो जिस साइड डाइनिन मूव करेगी उस साइड मूव करेंगे, एंड डाइनिन मूव करी है हमारी एंटीरियर साइड एंड काइनेसिन मूव करी है हमारी पोस्टीरियर साइड पॉजिटिव साइड। सो ये हमारा एंटीरियर साइड का प्लान है बॉडी प्लान, एंड ये हमारा पोस्टीरियर साइड का बॉडी प्लान है। सो क्या होता है, एक्सुबेरेंशिया एंड स्वेलो मूव कर जाती है डाइनिन के साथ एंटीरियर साइड। एक्सुबेरेंशिया एंड स्वेलो एंटीरियर साइड मूव कर गई। ऑस्कर एंड टुडार काइनेसिन के साथ मूव करती हैं, इसलिए वो पोस्टीरियर साइड मूव कर गई। ऑस्कर एंड टुडार पोस्टीरियर साइड मूव कर जाती हैं। एक्सुबेरेंशिया एंड स्वेलो की वजह से बाइकॉइड भी एंटीरियर साइड मूव करता है, एंड ऑस्कर एंड टुडार नैनोस को पोस्टीरियर साइड मूव कराते हैं। मींस इस साइड एक्सुबेरेंशिया और स्वेलो मूव करी एंटीरियर साइड फर्स्ट, एंड इस साइड ऑस्कर एंड टुडार मूव करी। एक्सुबेरेंशिया एंड स्वेलो की वजह से बाइकॉइड ने भी एंटीरियर साइड मूवमेंट लिया, एंड ऑस्कर एंड टुडार की वजह से पोस्टीरियर साइड नैनोस ने भी मूवमेंट किया। अब क्या होता है, दो प्रोटीन होती है हंचबैक एंड कोडाल। हंचबैक एंड कोडाल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है एग में। हंचबैक एंड कोडाल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, बट बाइकॉइड ऑलवेज हंचबैक को प्रमोट करता है एंड कोडाल को इनहिबिट करता है। सो एंटीरियर साइड हंचबैक होगा, कोडाल नहीं होगा। एंड नैनोस कोडाल को प्रमोट करता है एंड हंचबैक को इनहिबिट करता है। सो पोस्टीरियर साइड कोडाल प्रेजेंट होगा, हंचबैक प्रेजेंट नहीं होगा। सो इस तरीके से ये जो ब्राउन है ये है एक्सुबेरेंशिया एंड स्वेलो। फर्स्ट एक्सुबेरेंशिया एंड स्वेलो लोकेट हुए, जिनकी वजह से जो पिंक कलर है बाइकॉइड ये लोकेट हुआ, एंड बाइकॉइड ने हंचबैक को प्रमोट किया दैट इज ग्रीन कलर। तो यहाँ पे हंचबैक आ गया एंटीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड क्या हुआ, पोस्टीरियर साइड ऑस्कर एंड टुडार ब्राउन कलर, ऑस्कर एंड टुडार ने पहले मूवमेंट लिया जिसकी वजह से नैनोस ने भी मूवमेंट लिया, एंड नैनोस ने किसको प्रमोट किया, कोडाल को प्रमोट किया, हंचबैक को प्रमोट नहीं किया। इसकी वजह से एंटीरियर साइड हमारा हंचबैक आ गया और पोस्टीरियर साइड हमारा कोडाल आ गया। इस तरीके से कुछ प्रोटीन लोकेट हो गई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड। अब क्या होता है, जिस तरफ बाइकॉइड बहुत ज्यादा होगा उस तरफ हेड का फॉर्मेशन होगा, जिस साइड बाइकॉइड मॉडरेट होगा एंड हंचबैक उस तरफ थोरैक्स का फॉर्मेशन होगा। मींस यहां पे हमारा हेड का फॉर्मेशन हो रहा है एंटीरियर साइड, देन जहां बाइकॉइड मॉडरेट है एंड हंचबैक ज्यादा है वहां पे थोरैक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जब बाइकॉइड कंप्लीटली एब्सेंट है वहां टेल का फॉर्मेशन होगा। सो इस तरह से हमारे बॉडी प्लान डिसाइड होते हैं मेटरनल जीन्स की हेल्प से। अब दो टाइप के और मेटरनल जीन्स होते हैं जिन्हें हम टर्मिनल जीन्स बोलते हैं, दैट इज एक्रोन एंड टेलसन। क्या होता है, फॉलिकल सेल्स में हमारा टॉर्पिडो रिसेप्टर था, टॉर्पिडो रिसेप्टर के साथ साथ फॉलिकल सेल्स में हमारा टॉर्सो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। सारे फॉलिकल सेल्स में टॉर्सो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है।
बट ये एक्टिव नहीं होता. एक्टिव ये सिर्फ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड एक्टिव होता है, बिकॉज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड टॉर्सो लाइक प्रोटीन प्रेजेंट होती है. टॉर्सो लाइक प्रोटीन जो कि टॉर्सो के रिसेप्टर को, जो कि टॉर्सो रिसेप्टर को एक्टिव करके रखती है. टॉर्सो रिसेप्टर सब जगह प्रेजेंट है, बट एक्टिव कहाँ का है? सिर्फ टर्मिनल साइड का, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टर्मिनल का एक्टिव है. सो टर्मिनल जीन्स ऑलवेज वहां एक्टिव होते हैं जहां टॉर्सो रिसेप्टर एक्टिव होता है. सो हमारे दो टर्मिनल जीन्स हैं, एक्रोन एंड टेलसन. एक्रोन ए से याद रखना है एंटीरियर, एक्रोन एंटीरियर साइड एक्टिव रहता है, टेलसन पोस्टीरियर साइड एक्टिव रहता है. अब क्या होता है, ये है टर्मिनल जीन्स. टर्मिनल जीन्स मतलब ये एंटीरियर साइड मोस्ट टर्मिनल रीजन को फॉर्मेशन करेंगे. टेलसन पोस्टीरियर साइड मोस्ट टर्मिनल रीजन को फॉर्म करेगा. सो एक्रोन बाइकॉइड की हेल्प से एंटीरियर मोस्ट पार्ट को फॉर्म करते हैं, दैट इज ब्रेन, बिकॉज हेड में मोस्ट टर्मिनल पार्ट क्या होगा? ब्रेन. एंड टेलसन विद द हेल्प ऑफ नैनोस मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट को फॉर्म करता है, दैट इज टेल. पोस्टीरियर में सबसे एंड सबसे टर्मिनल पार्ट कौन सा होगा? टेल. सो एक्रोन बाइकॉइड की हेल्प से किसको फॉर्म करता है? ब्रेन को. एंड टेलसन नैनोस की हेल्प से टेल का फॉर्मेशन करता है. एंड एक गोरचू प्रोटीन होती है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बट टॉर्सो सिग्नल गोरचू को इनहिबिट कर देता है. सो गोरचू प्रेजेंट होती है ओनली मिड में, मोस्ट इंटीरियर पार्ट में एंड मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट में. टर्मिनल मोस्ट एंटीरियर पार्ट में, टर्मिनल मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट में गोरचू प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती. गोरचू प्रोटीन मिड में प्रेजेंट होती है बिकॉज टॉर्सो लाइक सिग्नल उसको इनहिबिट कर देता है. सो हमारा टॉर्सो सिग्नल ओनली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है. मोस्ट एंटीरियर साइड, मोस्ट पोस्टीरियर साइड, इस साइड एक्रोन, इस साइड टेलसन. एंड मिड में हमारी गोरचू प्रोटीन प्रेजेंट है बिकॉज मिड में हमारा टॉर्सो सिग्नल नहीं है. अब हमारे कुछ केसेस आते हैं. वाइल्ड टाइप था, यहाँ पे एंटीना का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हेड का फॉर्मेशन हुआ, थॉरेक्स का हुआ, एब्डोमेन का हुआ, टेल का फॉर्मेशन हुआ. बट जब हमने बाइकॉइड को रिमूव कर दिया, एक म्यूटेंट है जिसमें बाइकॉइड एब्सेंट है, बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है, बाइकॉइड क्या करता है? बाइकॉइड हेड को फॉर्म होने में हेल्प करता है, एंटीरियर पार्ट को फॉर्म होने में हेल्प करता है. बाइकॉइड नहीं होगा तो क्या होता है? बाइकॉइड पोस्टीरियर साइड नहीं होता. बाइकॉइड जहाँ एब्सेंट होता है वहाँ टेल का फॉर्मेशन होता है. बाइकॉइड जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पे हेड का फॉर्मेशन होता है. एंड बाइकॉइड प्लस हंचबैक फॉर्मेशन करते हैं थोरेक्स का. सो यहाँ पे ना तो हेड आएगा ना थोरेक्स आएगा, ओनली टेल एंड एब्डोमेन आएगा. सो टेल एब्डोमेन एंड टेल, एब्डोमेन तो सेंटर में होना ही होना है, बट जहाँ बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है वहां क्या आएगा? टेल आ जाएगा. सो जो हमारा म्यूटेंट ड्रोसोफिला आएगा उसमें टेल होगा, एब्डोमेन होगा एंड टेल होगा, बिकॉज बाइकॉइड जहां एब्सेंट होता है वहां आता है टेल. बाइकॉइड जहां प्रेजेंट होता है ज्यादा अमाउंट में वहां आता है हेड. बाइकॉइड जहां मॉडरेट में होता है एंड हंचबैक होता है वहां आता है हमारा थोरेक्स. तो थोरेक्स और हेड नहीं आएगा. अब क्या करा, बाइकॉइड नहीं था, एक ऐसा म्यूटेंट था, उसके सेंटर में हमने बाइकॉइड को इंजेक्ट कर दिया. जब हमने सेंटर में बाइकॉइड को इंजेक्ट कर दिया तो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन में तो टेल ही आएगा बिकॉज बाइकॉइड था नहीं. मिडल में हेड आ जाएगा एंड एंड में टेल आना ही है पोस्टीरियर पोर्शन में. अब एक और केस लिया, वाइल्ड टाइप था और साथ में हमने बाइकॉइड को पोस्टीरियर रीजन में इंजेक्ट कर दिया. सो फर्स्ट यहाँ पे हेड आएगा बिकॉज बाइकॉइड था, देन एब्डोमेन आएगा, बट एंड में जहां पे टेल आना चाहिए था वहां बाइकॉइड होने की वजह से हेड आ जाएगा. सो ये हमारे केसेस आते हैं. मेन हमें याद रखना है कि बाइकॉइड सबसे ज्यादा अमाउंट में जहां बाइकॉइड है वहां हेड आएगा. बाइकॉइड मॉडरेट है एंड हंचबैक है, उसकी हेल्प से क्या फॉर्मेशन हुआ? उसकी हेल्प से हमारा फॉर्म हुआ थोरेक्स. एंड बाइकॉइड जहां एब्सेंट होता है वहां हमारा टेल आता है. सो ये था हमारा मैटर्नल जीन्स कि एक्सेस पैटर्निंग के बाद बॉडी प्लान डिसाइड करने के लिए मैटर्नल जीन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर साइड.
एक्सेस पैटर्निंग होने के बाद, जब हमारी एक्सेस पैटर्निंग हो जाती है, डिसाइड हो गया कौन साइड एंटीरियर है कौन पोस्टीरियर है, उसके बाद हमारा मेटर्नल जीन्स आते हैं, वो हमारा बॉडी प्लान डिसाइड करते हैं कि एंटीरियर साइड कौन कौन से ऑर्गन्स आने हैं, पोस्टीरियर साइड कौन कौन से ऑर्गन्स आने हैं. ये फंक्शन होता है मेटर्नल जीन्स का. और ये हमारे सारे मेटर्नल जीन्स होते हैं, हंचबैक, कॉडाल, नैनोस, बाइकॉइड, एक्रोन, टेल्सन, ये सब हमारे मेटर्नल जीन्स होते हैं. इनका डिस्ट्रीब्यूशन से डिसाइड होता है ड्रोसोफिला का बॉडी प्लान. अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन से एवरी टाइम सीएसआईआर में क्वेश्चन आता है. इनके डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट को ही हम एक बार माइंड में रखेंगे तो बहुत इजीली हम 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं सीएसआईआर नेक्स्ट ईयर में. सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जायगोटिक एलील्स. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.